हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 8। आज की टॉपिक हमारी है, चलो शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है ना, एम्पियर। आज की टॉपिक हमारी है बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ आज ही हमारी टॉपिक है। इसकी हिंदी क्या होती है, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे है क्या, अभी बात करेंगे, लेकिन इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमको याद आ रहा है कि सेवंथ वाले में हमने एक लूप के एक्सिस पर निकाला था बी का मान, नहीं एक लूप था तो बी का मान अगर मैं याद दिलाऊं तो ऐसे निकाला गया था, बी बराबर म्यू नॉट बाई टू आई आर का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर पावर 3/2, ऐसे ही था। लेकिन वो सिंगल लूप था ना बेटा, वो सिंगल लूप था, सिंगल लूप था। अगर मान लो दो तीन चक्कर तार लगाया हो, चार चक्कर लगाया हो, पाँच चक्कर लगाया हो, छः चक्कर लगाया हो, सात चक्कर लगाया हो, तो क्या करोगे, यहाँ पर लगा दोगे एन, ठीक है ना। एक चक्कर के लिए यह था, दो चार चक्कर पांच चक्कर तो यन, यहाँ पे यन क्या है बेटा, एन बराबर चक्करों की संख्या, एन बराबर चक्करों की संख्या कि तार कितने चक्कर लगा रहा है, कितने लूप बना रहा है वो, ठीक है ना। चलो अब आते हैं अपने हम मेन टॉपिक पर, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो बेटा ये जानते हो क्या है, ये है एक लॉ है, लॉ, लॉ का कोई प्रोविजन नहीं होता, लॉ में एजम्पशन होते हैं जिसका कोई प्रोविजन नहीं होता, खाली हम उसको याद करते हैं, ठीक है ना। तो एम्पियर का परिपथीय नियम ये हमारे काम आता है, इसका वर्क यही है कि इससे हम निकालेंगे फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। इससे हम क्या निकालेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जी, क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये जानते हो किसकी तरह, गॉस लॉ आपने पढ़ा है, गॉसेस लॉ आपने पढ़ा है, तो ठीक गॉस लॉ का ये जान जाओ कि उसी का भतीजा मामा है, उसी का गॉस लॉ की तरह ही अभी है। गॉस लॉ क्या होता था, गॉस लॉ चैप्टर नंबर, अगर मैं एक बताऊं चैप्टर नंबर एक, तो यह था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कहाँ पे था, LELECTR इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पोर्शन में था। इसका काम क्या था, इसका भी काम था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इसका क्या काम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बेसिक फंडा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बेसिक फंडा आपने पढ़ा था कूलॉम लॉ था, क्या था, हम शुरू शुरू में कूलॉम लॉ से निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, जो कि पॉइंट चार्ज पर काम करता था। और जब हम इस पर थक गए मगजमारी करते करते, तो हमको मिल गया गॉस लॉ, गॉस साहब आए कह दूरी उरी हटाओ, मैं अपना नियम देता हूँ, और वो नियम जहाँ तक मुझे पता है तो EdS इज इक्वल टू, यहाँ पे होता था क्यू इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, ये था, ठीक है ना, ये क्या है, वेक्टर एरिया था, ठीक है ना, उसके अंदर जो भी क्यों था ये यहाँ से निकल जाता था, यही था पूरा कूलॉम का, उसी की तरह यह भी है। देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का बेसिक फंडा ये, चूंकि मैग्नेटिक क्या निकालता है, ये निकालता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का बेसिक फंडा क्या है, इसका बेसिक फंडा बेटा यही है कि बायो सेवर्ट लगाओ, बायो सेवर्ट लगाओ। बायो सेवर्ट का नियम अगर याद दिलाऊं तो यह बेटा स्मॉल डीएल पर वर्क करता है, वर्क किस पर करता है, स्मॉल डीएल पर, जैसे यह पॉइंट चार्ज पर वर्क करता था कूलॉम लॉ ना, उसी प्रकार बायो सेवर्ट लॉ, कूलॉम लॉ बायो सेवर्ट लॉ, कूलॉम लॉ पॉइंट चार्ज पर काम करता है और बायो सेवर्ट लॉ स्मॉल डीएल पर काम करता है, ठीक है ना। और यह क्या निकालता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। तो उसके बाद जब इसके माने हम लोगों ने इसकी वजह से बहुत सारे निकाले हैं, देखो मतलब बायो सेवर्ट के लॉ से हमने इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर लूप का, करंट लूप के सेंटर पर, उसके एक्सिस पर, इसी के बेस पे सब हमने निकाला है। अब जब हम लोग वहाँ तक थक गए तो आ गए एम्पियर साहब, आ गए एम्पियर साहब, कहे कि हमारा नियम ले लो एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि ठीक गॉस लॉ की तरह काम करता है, क्योंकि गॉस लॉ का जो फंडा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और हमारा फंडा मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ठीक है ना। तो ये सब अच्छे मेथड हैं,
लेकिन हर जगह अप्लीकेबल, देखो अप्लीकेबल तो हर जगह है, लेकिन हमको मतलब कि हमारी सहायता कुछ जगह ये कर पाएगा। अप्लीकेबल तो कहीं भी है, हर जगह ये सत्य है, लेकिन हमारी सहायता ना ये हर जगह नहीं कर पाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो सहायता हमारी नहीं कर पाएगा। तो आपने गॉस लॉ और बायो सेवर्ट का लॉ का, गॉस लॉ और एम्पियर का सर्किटल लॉ, इनके बारे में तुलना भी कर लिया, कंपैरिजन हो गया इनका, ठीक उसी तरह है, बशर्ते हमारा एम्पियर का बताता है मैग्नेटिक फील्ड बताता है और गॉस लॉ क्या बताता था, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था। अच्छा ये अब कहोगे सर एम्पियर का बताओ ये सर्किटल लॉ है क्या वास्तव, मतलब उसका फार्मूला बताओ, ये तो हो गया नोट कर लीजिएगा, इसका फार्मूला यही होता है बेटा, देखो जरा ये हो गया क्लोज सर को या कोई क्लोज लूप है और ये होता है आपका B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ये इनका लॉ है, ठीक है ना, यही एम्पियर साहब का लॉ है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये इनसाइड क्या है ये सब क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा होगा नहीं आपको, चलो शुरू करते हैं कहानी, अब शुरू करते हैं बेटा इनकी। जानते हो डीएल का भी एक अपना डायरेक्शन है, बी का भी एक डायरेक्शन है। चलो मान लिया ये कोई आपके पास वायर है, कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है ना, ध्यान से देखना बहुत आसान है, कुछ है थोड़ी ना, कोई करंट कैरिंग मान लो आपके पास बेटा वायर है, ठीक है ना। अब ये करंट कैरिंग वायर अब देख रहे हो ना यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि अंदर करंट जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, क्रॉस का मतलब करंट अंदर की ओर जा रहा है, इनसाइड इनवर्ड कह सकते हो। मैंने बोला इसकी सहायता से इस पॉइंट पी पर, इसकी सहायता से इस पॉइंट, इसके अगल बगल तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अगल बगल क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैंने पूछा इसकी सहायता से इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बताओ, यानी कि क्वेश्चन आपका यही बनेगा फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करेंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, यानी कि करेंट कैरिंग वायर की वजह से आप बताओ कि पॉइंट पी पर कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे एम्पियर साहब ने कहा यार वो नियम छोड़ो लगाना आर वार को मानना छोड़ो मेरा नियम लो, सब कहा कि एक काम करना, पहला काम यही करना कि पॉइंट पी को काटते हुए, देखो पॉइंट पी को काटते हुए एक इमेजिनरी, पॉइंट पी को काटते हुए एक इमेजिनरी, पी को काटते हुए एक इमेजिनरी क्लोज लूप बनाओ, एक इमेजिनरी क्लोज लूप बनाओ, ठीक है ना। अब लूप देखो ऐसे ही बनेगा, देखना ध्यान से, पी को काटते हुए क्लोज लूप बनाना है ऐसे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट पी को काटते हुए एक इमेजिनरी क्लोज लूप बनाओ और लूप आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, लूप आपका ना ध्यान दीजिएगा लूप आपका सिमेट्रिक होना चाहिए। अब लूप सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर ये बताओ, सिमेट्रिक का मतलब आप जानते हो लेकिन थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा आपको, यह जो लूप है ना यह सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है ना। लूप सिमेट्री का मतलब क्या कि यह दूरी, अगर मान लो ये मान लो यहाँ से इस वाले पॉइंट का अगर दूरी मान लो r है, ठीक है ना, और इस वाले भी पॉइंट मान लो कि इसकी भी दूरी अगर मान लो आप r है, यहाँ से भी मतलब कि मेरा फिगर तो सही नहीं बना है, आप देख रहे हो कि हमारा फिगर सही नहीं बना है ना, यानी कि इस वाले पॉइंट से जहाँ से वायर अंदर की ओर जा रहा है हर जगह पे दूरी वहाँ से आर आर होनी चाहिए, कहीं कम बेशी ना हो, ठीक है ना, हर जगह ये दूरी बड़ा हर एक पॉइंट के लिए, चाहे यहाँ पर 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 चाहे यहाँ पर, हर जगह दूरी समान होनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से हर जगह दूरी समान होना चाहिए, इसी को सिमेट्रिक बोलोगे आप, चलो कोई बात नहीं। फिर ये मतलब कि एम्पियर साहब ने फिर से कहा कहीं भी लूप पर, कहीं भी लूप पर कहीं भी एक डीएल काटो, एक डीएल काटो,
आपको मैं गॉस लॉ को याद दिलाऊं तो गॉस लॉ में डी ए होता था, डी ए मतलब कि एरिया का इंटीग्रेट होता था, और यहाँ पे किसका इंटीग्रेट होगा, लाइन का, इस वाले लाइन का इंटीग्रेशन, यानी कि इसे कहते हैं यह है बेस्ड ऑन लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, यानी कि हम लोग इसी वाले का डीएल, डीएल मतलब कि यहाँ पे देखो पहले लूप पर कहीं भी एक डीएल काटो, चलो कहीं भी एक डीएल काट लिया, डीएल काट लिया ना। अब डीएल का डायरेक्शन क्या लेना है, देखो ध्यान से, डीएल का डायरेक्शन जो होगा ना, डीएल का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन की ओर होगा, लूप के डायरेक्शन की ओर होगा, डीएल का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन की ओर होगा, यानी कि डीएल जो आपने यहाँ पे काटा है इसका डायरेक्शन किधर होगा, लूप के डायरेक्शन की ओर। अब देखो ये लूप मान लो इधर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मान लिया लूप ऐसे, मान लो लूप का डायरेक्शन ये हमारा हो गया, ठीक है ना, ये माना गया है, ठीक है ना। और एक बात तो इसके डायरेक्शन में एक बात याद जरूर रखना कि जो डीएल है ना, डीएल जो डीएल का डायरेक्शन है लूप की ओर हमेशा होना चाहिए, लूप की ओर हमेशा होना चाहिए, लेकिन एक एजम्पशन है, एक एजम्पशन यहाँ पे क्या है, एजम्पशन मतलब कि एक बात यहाँ पे यह है कि अगर यदि वेक्टर बी का डायरेक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब कि स्पर्श रेखी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्पर्श रेखी है, ठीक है ना, यानी कि देखो जरा मान लो यहाँ पे करंट अंदर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर क्या होगा डायरेक्शन उसका, तो हम राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, अंगूठा करंट की ओर, पाम जिधर जाएगा नीचे की ओर जा रहा है, देखो ये स्पर्श रेखी है, स्पर्श रेखी है कि नहीं है, स्पर्श रेखी है, तो हमने क्या बोला यदि बी का डायरेक्शन स्पर्श रेखी है, देखो बी का डायरेक्शन अगर इस लूप के स्पर्श, बी का डायरेक्शन यदि स्पर्श रेखी यानी कि इस लूप पर बेटा एक टेंजेंट बना रहा है, ठीक है ना, तब डीएल का डायरेक्शन, तब डीएल का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन की ओर होगा, बी के डायरेक्शन की ओर होगा, ठीक है ना। तब कुछ नहीं सोचना है, कुछ सोचना ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगर बी स्पर्श रेखी हो रहा है, ठीक है ना, अगर बी स्पर्श रेखी हो रहा है तो आंख मूंद के डीएल भी इधर ले लो, अगर बी टेंजेंशियल है तो आंख मूंद के डीएल को भी इधर ले लो, यानी कि बी भी इधर है और डीएल भी, अगर ये स्पर्श रेखी है तो, नहीं तो डीएल हमेशा अपने लूप पे ही बनेगा, डीएल हमेशा कहाँ बनेगा, अपने लूप पर ही बनाओगे हमेशा, ठीक है ना। और मतलब कि ये अब यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाऊं यहाँ पे, चलो आगे देखते हैं क्या कहता है। तो आपने देखा कि लूप पर कहीं भी एक डीएल काट लेना है आपको, डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, लूप के डायरेक्शन की ओर, लूप का डायरेक्शन मतलब कि क्या, आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, लूप का डायरेक्शन मतलब क्या, आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, अगर बी इधर है तो इधर ले लेना, अगर बी इधर है तो इधर ले लेना, डीएल मान लो यहाँ पे आपने डीएल काटा, अब सोच रहे हो कि इसका डायरेक्शन किधर लिया जाए, तो बी का देखना डायरेक्शन क्या है, बी का, बी का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो डीएल का भी इधर होगा, ठीक है ना, मेरे मतलब कहने का यही है, और अगर बी का डायरेक्शन इधर होगा तो डीएल का भी इधर ही होगा, मतलब कि मोर देन आप यही देखोगे केस कि बी का डायरेक्शन डीएल की ओर ही आपको लेना है, ठीक है। चलो इसको मिटा दूं। अब देखो जरा, फिर एम्पियर साहब ने कहा डीएल तो तुमने काट लिया, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे अंदर की ओर मान लो करंट जा रहा है, और ये अपना लूप मैं दिखाता हूँ प्लास्टिक वाला, ये लूप जो लाया था, ये लूप देखो, इस लूप में अंदर की ओर करंट जा रहा है वायर के द्वारा, अच्छा पूरे वायर के द्वारा करंट जा रहा है इस पॉइंट पर, पी पॉइंट मान लो यहीं कहीं पे है, पी पॉइंट यहीं कहीं पे है, इस पर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड कितना, मान लो बी बनेगा, मान लो यहाँ पे डीएल आपने काटा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी बना, ठीक है ना, पूरे वायर की वजह से, यहाँ पे मैं सोचो कि सर डी बी बनेगा, डी बी नहीं, पूरे वायर की वजह से यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, तो बी बनेगा। अच्छा बताओ, मैंने यहाँ पे बी मान लिया, इस वाले पॉइंट पर कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, तब कितना कहोगे, तब भी कहोगे सर बी ही बनेगा, क्यों, क्योंकि वायर वही है, करंट वही है, और जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ है,
इसलिए यहाँ भी बी बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ भी बी बनेगा, वही डिस्टेंस, वही वायर, वही करंट, यानी कि हर जगह बी बी बन रहा है, ठीक है ना। डीएल भी देखा, बी भी देखा, सारा देख लिया। तो एम्पियर साहब ने कहा कि देखो क्लोज लूप है, क्लोज लूप बी डॉट डीएल, और चूंकि ये क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा लग जाएगा, कॉस थीटा लग जाएगा, कोई बात नहीं, कॉस थीटा लग जाएगा, और बराबर ये हो गया म्यू नॉट आई इनसाइड, म्यू नॉट आई इनसाइड, यही कहा। अब यहाँ से सोचा सर बी कैसे निकालेंगे, बी तो कांस्टेंट हर जगह होगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बाहर निकल जाएगा, एक आपका हो गया क्लोज लूप डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, और ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड अपान डी एल कॉस थीटा। लो यहाँ से भी आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ पे एक बात और नोटिस करना कि जो आई इनसाइड है ना, वो इमेजिनरी लूप के अंदर का करंट है, वो कहाँ का करंट है, इमेजिनरी लूप जो बनाए हो के अंदर का करंट, ठीक है ना। जो आई इनसाइड लिखे हो इमेजिनरी लूप के अंदर जो करंट है वही आई इनसाइड है। तो हमको मतलब कि मेन फोकस यही अभी करना है कि डीएल का डायरेक्शन क्या लेना है, बी के अगर बी टेंजेंशियल है, अगर बी स्पर्श रेखी है तो बी की ओर ही लेना है, और किसी हालत में अगर बदलता है बी तब तो वही थोड़ा मोड़ा चेंज होगा, चलो कोई बात नहीं। तो इसको समझ में आ गया ना, इसको मिटा के थोड़ा मोड़ा और आपको बताएं इसके आगे, थोड़ा देखो क्या कहता है ये नियम। ये नियम आगे इस तरह बात करता है, काफ़ी मतलब कि अच्छी बातें करेगा, देखो आराम से। मान लिया ये आपके पास, सॉरी पहले मान लो अब की बार दो वायर आ गए, एक वायर से करंट अंदर की ओर जा रहा है और एक वायर से करंट बाहर की ओर आ रहा है, तब इस पॉइंट पी पर बताओ कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। फिर क्या करना है, पी पर एक आपको बनाना है लूप बनाना है, ठीक है ना। पी पर क्या बनाना है, एक लूप बनाना है, लूप बन इमेजिनरी लूप हो गया। और हाँ एक बात और देख लो कि बेस्ड ऑन लाइन इंटीग्रल, यानी कि इस वाले लेंथ का इंटीग्रेशन करना था, इस लेंथ का इंटीग्रेशन हमको बार बार करना है। चलो अब फिर यहाँ पे वही सूत्र हो जाएगा, मतलब कि क्लोज लूप बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड। अब यहाँ पे आई इन साइड कैसे लिया जाए, तो ये मान लो आई वन करेंट अंदर जा रहा है, आई टू करेंट बाहर जा रहा है, तो आई इन साइड हमको नेट में लेना है, नेट में आई इन साइड। मान लो बेटा ये 10 एम्पियर है, ठीक है ना, और ये मान लो 2 एम्पियर है, ठीक है ना, तो नेट क्या होगा, 10 माइनस 2 8 एम्पियर, किधर अंदर की ओर, तो 8 एम्पियर होगा किधर अंदर की ओर, तो नेट हमको घटा उटा के ले लेना है, ठीक है ना। तो आई इन साइड यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी, और डीएल 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 पूरा डीएल डीएल कटेगा तो क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा, इसका सर्कमफेरेंस होगा ना, 2D है, सर्कल है, सर्कल 2D होता है, और 2D का मतलब क्या, 2 पाई आर आएगा पूरा लेके, जो भी इसका रेडियस हो, ठीक है ना। और सिमेट्री है तो रेडियस का मतलब क्या, सिमेट्री तो है, तो मान लो 8 एम्पियर आया, तो इसको मान लो 8 एम्पियर इसके सेंटर पे ही मान लेते हैं, कहाँ पे, जो 8 एम्पियर है ना इसके सेंटर पे ही माना जाएगा, और ये रेडियस लिया जाएगा बार बार, ठीक है ना। ये रेडियस अगर मान लो R हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बराबर म्यू नॉट आई इन साइड अपान, और एक कॉस थीटा जो भी होगा, कॉस थीटा 0 डिग्री मान लो, यहाँ पे बी इधर है, बी नीचे की ओर है, तो डीएल भी इधर होगा, वो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएल डीएल करके 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है नहीं। तो ये भी हो गया, अगर इसके अंदर मान लो कई सारे करंट हैं, कोई अंदर जा रहा है कोई बाहर आ रहा है, तो आपको क्या लेना है, नेट लेना है, क्या लेना है, नेट करंट, मतलब कि इनसाइड आउटसाइड को पूरा जोड़ लेना, इनसाइड कितना हो रहा है कितना आउटसाइड हो रहा है, और उसमें से जो ज़्यादा हो रहा है उसी का उसी से नेट निकल जाएगा। मान लो 100 एम्पियर इनसाइड है, 102 एम्पियर आउटसाइड है, तो मतलब कि कितना बचा, 102 माइनस 102 एम्पियर आउटसाइड का हमारा नेट करंट होगा, ठीक है ना। चलो अब मान लो इसी में मैं एक बात और आपको बता दूँ, मान लो इसके बाहर भी करंट दे दिया हो, मान लो आपने लूप बनाया हो इमेजिनरी वाला, उसके बाहर भी करंट दे दिया हो, आउटसाइड इनसाइड कुछ भी दे दिया हो, तब यहाँ पे क्या रखेंगे,
तब भी वहां पे इनसाइड रखोगे, इनसे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लूप के बाहर जो भी करंट है उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये बात अपने माइंड में सेट कर लो। और हाँ, आंसर में जो भी इनका आंसर बी का आएगा वहां पे लिख सकते हो, जो भी आंसर बी का आएगा वहां पे लिख सकते हो। इन सब की वजह से जो इनसाइड करंट है आउटसाइड करंट है सब की वजह से जो हमारा बी आया है वही आया जो इनसाइड की वजह से आया है। इनका कोई पार्टिसिपेट नहीं होगा आपके क्वेश्चन मतलब कि सर्किटल लॉ में, एम्पियर सर्किटल लॉ में यह कोई हिस्सेदारी नहीं लेंगे, इनका कोई मतलब नहीं होगा। हालांकि आंसर में आप लिख सकते हो इन सब की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड भी आया है वही आया है जो आया होगा आपका। और ये भी जान लो ये जो इमेजनरी लूप बनाए हो इसे हम कहते हैं एम्पियर लूप कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं एम्पियर लूप कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं है, केवल इनसाइड लेना है। इमेजिनरी लूप के अंदर का करंट केवल लेना है, उसके बाहर कोई भी करंट हो आपको उसको नहीं टेकअप करना है, ठीक है ना। यह बात आप ध्यान दीजिएगा, कई तरह के करंट हो अंदर बाहर वाले तो वहाँ पे आपको नेट निकालना पड़ेगा कि नेट करंट कितना है, ठीक है। यही दो बातें हैं, बाकी आप तो जान ही गए हो कि डीएल हमेशा बी की ओर ही होता है, हालांकि कभी कभी बदल जाएगा, कब बदलेगा मैं बताता हूँ अभी आपको, कभी कभी वो भी बदल जाएगा। तो आपके ऊपर है क्वेश्चन कैसे आपको मिलते हैं तो वहाँ पे कैसे आपको मतलब कि राइट हैंड पाम रूल आपको लगाने आना चाहिए, क्योंकि वही आपकी हेल्प करेगा डायरेक्शन को निकालने में। अगर राइट हैंड पाम रूल अप्लाई नहीं करने आता तो पीछे का वीडियो आप जाके देख लो, वहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा एक लेक्चर बनाया गया है, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे अप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है ना। यानी कि इस लॉ का जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है इसका हम सीखेंगे अप्लीकेशन। और चूंकि बेटा लॉ है, लॉ मतलब कि इसलिए बनाया जाता है कि जो भी क्वेश्चन टफ हो उसको आसान बनाने के लिए, ना कि कठिन, कि कहाँ कहाँ पे मतलब हम यही बताने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज हम आसानी से कर लेंगे, कहाँ कहाँ पे आसानी से आंसर दे देगा। देखो बस सबसे पहली बात कि सिमेट्रिक होना चाहिए, जो भी आप शेप बनाते हो ना वह सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए का मतलब जानते हो क्या, देखो जरा यहाँ पे मान लो करंट करेंगे वायर है, ठीक है ना। तो जो यहाँ इस पॉइंट पर निकालना जो ये लूप हो ना, हर जगह ये दूरी आर आर सब बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये दूरी रेडियस का काम करे, या दूरी इनके लिए रेडियस का काम करे। सिमेट्रिक होने का मतलब ये हर जगह दूरी बराबर रहे, तभी तो हर जगह बी बी कॉन्स्टेंट होगा, उसी को सिमेट्रिक बोलते हैं। दूसरी बात कि बी स्पर्श रेखीय हो, बी कैसा हो स्पर्श रेखीय होना चाहिए, टेंजेंशियल, बी स्पर्श रेखीय होना चाहिए तथा नियत होना चाहिए। नियत मतलब क्या, कांस्टेंट, बी स्पर्श रेखीय हो और कांस्टेंट हो तब ये काम कर लोगे। मतलब क्या, वही मतलब कि अगर यहां पे मैं कोई मतलब निकालूं बी का दिशा, बी स्पर्श रेखी होना चाहिए, मतलब क्या यहाँ पे करंट अंदर इस वाले पॉइंट पर पाम नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि देखो बी टेंजेंशियल है कि नहीं है, बी टेंजेंशियल, यहाँ भी बी टेंजेंशियल, यहाँ भी बी टेंजेंशियल, यहाँ भी बी टेंजेंशियल, बी स्पर्श रेखी होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि बी जिधर लेना होता है उधर डीएल लेते हो, आपको यह पता है, अर्थात कह सकते हो क्लोज लूप बी डॉट डीएल कॉस थीटा बराबर बी कांस्टेंट है, कॉस थीटा का मान इधर डीएल भी होगा, जीरो हो जाएगा, इधर बी है इधर भी डीएल है, बी की ओर लेते हैं उसको, तो ये हो जाएगा डीएल, और डीएल जो भी हो टू पाई आर वार जो भी हो। तीसरा यहाँ भी अप्लीकेबल होगा कि जब वेक्टर बी अभिलंबवत हो, जब वेक्टर बी क्या हो अभिलंबवत हो, यानी कभी कभी ऐसा भी केस आपको मिलेगा कि जब वेक्टर बी आपका ना इसके डीएल के लंबवत मिल जाएगा,
कभी कभी ऐसा केस होगा, ऐसा केस हम आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यूट्यूब भरम में पड़ जाओगे। तो जब बेटा ऐसा हो जाएगा तो बी डॉट डी एल जब कॉस थीटा लगाओगे तो थीटा का मान 90 डिग्री, आप जान रहे हो कि थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड डी एल, यही जान रहे हो अभी इस वाले में। तो थीटा 90 कॉस 90 वाली जीरो होती, पूरा जीरो आ जाएगा। अब ये चौथा ले लो, जब वेक्टर बी बराबर जीरो, मान लो कि कोई वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना यार, तब क्या हो जाएगा, ए बी डॉट डी एल कॉस थीटा तब भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही दो तीन चार बातें हैं जहाँ पे हमको अप्लीकेबल ये हम मतलब सर्किटर लाए बहुत आसानी से सारे आंसर को लाता है। तो इसको अपने मन में रखना, मन में क्या रखना है, टेंजेंशियल होना चाहिए और नियत होना चाहिए, ठीक है ना। तब ए हो जाएगा अभिलंबवत होगा तो जीरो हो जाएगा, जब बी अभिलंबवत होगा जीरो हो जाएगा, और जब बी खुद जीरो होगा तब भी पूरा जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के बेस पे बेटा हम एक फार्मूले को प्रूव करते हैं, इसको आप नोट कर लो, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के बेस पे हम देखते हैं कि क्या वो फार्मूला हमारा सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट, क्या निकालेंगे हम लोग, हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। आपको याद होगा म्यू नॉट पाई 2 पाई आई बाई आर होता है। तो हम निकालने जा रहे हैं वही फार्मूला, एम ए जी एन ई टी आई सी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट पी। चलो मान लो इनफाइनाइट कोई वायर हो, इसमें करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा हो, ठीक है ना, इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, इस पर हमको बताना है क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो वो सब छोड़ो, डीएल वल छोड़ो, मतलब बाशवर्ट का ला छोड़ो, अब हम पढ़ चुके हैं एम्पियर का सर्किट ला। एम्पियर साहब कहते हैं इस पॉइंट पर पहले एक इमेजिनरी लूप बनाओ, लूप बनाओ, ठीक है ना। इसको आप ऊपर से देखना, ऊपर से, ऊपर से देखना, नहीं तो मिस कर जाओगे। ऊपर का मतलब क्या, ऐसे देखो जरा, ये आपका लूप है, ये आपका, देखो पहली बात तो ये आपका वायर है जहाँ पे करंट ऊपर की ओर जा रहा है, और ये कोई पॉइंट पी था लूप पर, मैंने इसे लूप बना दिया, जो मेरा गोला दिख रहा है ना वो लूप है, गोला नहीं सर्कल है, तो वो लूप है, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हो क्या बेटा, कि इस लूप के इस वाले पॉइंट पर जहाँ पे ये वाली मेरी उंगली जा रही है, आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या करा, एक सर्कल ड्रा करा, एक इमेजिनरी लूप बनाई। तो एम्पियर साहब ने क्या कहा था कि सबसे पहले एम्पियर साहब का फार्मूला लिख लेते हैं कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, इनसाइड में आई तो आई बह रहा है, इनसाइड में तो आई, इसमें जो इनसाइड मतलब इस लूप के अंदर यही ना आई बह रहा है, इसको ऐसे ऊपर से देखना, ऐसे ऊपर से देखना, ऊपर से ऐसे ऐसे करके ऊपर से देखना, तब समझ में आएगा। तो अब मैं पूछूं कि बताओ सर इसका, इसमें बी का डायरेक्शन किधर है, बी का डायरेक्शन, तो आप कहोगे सर करंट ऊपर की ओर, अपना दाया हाथ निकालोगे फिर पाम की ओर हमारा क्या जाएगा, यानी कुछ ऐसे, यानी कि कुछ ऐसे जाएगा, नहीं जो कि एक टेंजेंट है, जो कि एक टेंजेंट ही तो है जो इसको टच करके जा रहा है, हर एक पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर ऐसे, इस वाले पॉइंट पर ऐसे, इस वाले पॉइंट पर ऐसे होगा, क्या दिक्कत है, हर एक पॉइंट पर निकाल सकते हो, इस वाले पॉइंट पर ऐसे, 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 ठीक है ना, आई बात समझ में। डी एल काटा ही तो बी का हो गया डायरेक्शन, डी एल काटा, डी एल काटा, डी एल काटोगे उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा, तो जिधर बी है उधर ही डी एल का डायरेक्शन है, दोनों का सेम है, तो थीटा का मान जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिखोगे बी डॉट डी एल कॉस जीरो अंश बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है ना। और ये आर क्या, चूंकि सिमेट्रिक है पूरा ना, जो भी यहाँ होगा वही भी यहाँ होगा, वही भी यहाँ होगा, वही भी यहाँ होगा, वही भी यहाँ होगा, हर एक पॉइंट पर वही भी होगा, तो बी कॉन्स्टेंट होगा। बी यहाँ पे मैंने पीछे कंडीशन दिया था ना कि बी नियत होना चाहिए, बी नियत होगा तभी काम कर पाओगे,
बी नियत होना, ये ऐसा नहीं कि मतलब कि ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे चार हो, यहाँ पे छः हो, यहाँ पे आठ हो, यहाँ पे दस हो, यहाँ पे बारह हो, तब नहीं, तब कहाँ बाहर निकाल पाओगे, तब बाहर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो बी नियत होना चाहिए। चलो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड, ठीक है, और ये हो जाएगा बी अरे गुड़े डीएल 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 कितना आएगा बेटा पूरा टू पाई आर, टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन साइड, तो आई फ्लो कर रहा है आई है, तो बी बराबर म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई आर। लो ये प्रूव हो गया फार्मूला हमारा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से हो गया। तो हमारा फार्मूला है इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड यही होता है। तो एम्पियर का सर्किट अल्ला चार लाइन में प्रूव होता है, तीन नंबर का सवाल देता है एग्जाम में बोर्ड में आपके, और यही कहता है कि आप बताओ किसी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से किसी पॉइंट पी पर उसके आसपास कितना बनता है मैग्नेटिक फील्ड, आप प्रूव करो एम्पियर के सर्किट अल्ला वाले नियम से। तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो, तो अभी इसमें हम ढेर सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे न्यूमेरिकल के बेस पर, जो कि बुक में आपके दिया है पढ़ सकते हो, लेकिन हम आपसे अब मिलेंगे अगले वीडियो में उन सब को लेकर के, ठीक है ना। वीडियो लंबा ना हो, आपको बोरिंग ना हो, इसलिए यहीं पे वीडियो क्लोज करते हैं बेटा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।